सो है गाइज व्हाट्सएप के आप लोगों को भी फेसबुक और पर्सनल डैशबोर्ड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो है हमारा शो नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो है शो हो रहा है। क्या आप लोगों का भी इस तरीके से पर्सनल डैशबोर्ड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है जहाँ से आप लोग वीडियोस की एनालिटिक्स देख सकते हो? गाइज अगर आप लोगों का भी ये डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा है तो आप लोगों को इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस डैशबोर्ड को शो करवा सकते हो अपने फेसबुक पर। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए गाइज वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज अब आप लोगों को सबसे पहले जो है आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना होगा फेसबुक, एंड फेसबुक सर्च करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना होगा पहले आपका फेसबुक अपडेट है भी या नहीं। ओके, तो अगर आप लोगों का फेसबुक अपडेट नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हो अपडेट, सिंपली अपडेट पर क्लिक करना होगा एंड आप लोगों को फेसबुक को अपडेट कर लेना होगा। ओके, अपडेट कर लेने के बाद सिंपली आते हैं बैक, एंड गाइज बैक हो जाने के बाद अब आप लोगों को ओपन करना होगा फेसबुक। चलिए सिंपली फेसबुक को ओपन करते हैं। सो गाइज फेसबुक ओपन हो जाने के बाद थ्री लाइंस पे टैप करेंगे। थ्री लाइंस पे टैप हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको पर्सनल डैशबोर्ड का ऑप्शन कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है। तो सिंपली अब आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जो है प्रोफाइल पे टैप करेंगे। प्रोफाइल पे टैप हो जाने के बाद आप लोग आपके प्रोफाइल पे विजिट हो जाओगे, राइट। उसके बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है थ्री लाइंस, सिंपली इन थ्री लाइंस पे आपको टैप करना होगा। इन थ्री लाइंस पे टैप हो जाने के बाद आप लोग नीचे बॉटम साइड पे देख सकते हो टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, सिंपली आप लोगों को इस प्रोफेशनल मोड को ऑन कर देना होगा। ओके, अब गाइज आप लोगों को सिंपली टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइज यहाँ पर सिंपली इस तरीके का इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टर्न ऑन, ओके, आप लोगों को सिंपली टर्न ऑन पे क्लिक कर देना होगा। सो गाइज टर्न ऑन पे क्लिक होते ही आप लोगों का जो है फेसबुक अकाउंट प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट हो जाता है वैसे ही आप लोगों का जो है डैशबोर्ड शो होने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आप लोग इन्हें कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, बैक आ जाना होगा, आप लोगों का काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पर जो है हम पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सी डैशबोर्ड, सिंपली सी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर देख सकते हो गेट स्टार्ट, सिंपली गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर जो है हमारा रीच कितना है एंड नेट फॉलोअर्स कितने हैं, सेकंड व्यूज कितने हैं एंड इंटरेक्शंस कितने हैं, यहाँ पर मैं अब सब कुछ देख सकता हूँ प्रोफेशनल मोड ऑन करने के बाद। ओके, सिंपली चलता हूँ बैक, एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को सेटिंग पे अब जाके दिखाता हूँ कि भाई हमारा पर्सनल डैशबोर्ड शो हो रहा है कि नहीं। सिंपली चलते हैं यहाँ से बैक, एंड एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एंड नीचे आप लोग यहां पर देख सकते हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ओके, सो गाइस ये ऑप्शन पहले नहीं था, हमने जो है प्रोफेशनल मोड को ऑन किया तो ये पर्सनल डैशबोर्ड कह सकते हो या आप लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी कह सकते हो, ये हमारे यहां पर शो हो चुका है। सो गाइस इस तरीके से आप लोग पर्सनल डैशबोर्ड या प्रोफेशनल डैशबोर्ड को आप लोग जो है इस तरीके से शो करवा सकते हो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस टाटा एंड बाय बाय।